अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवन स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर जो कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर सेकंड का होगा, ठीक है। क्योंकि चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने कल कंप्लीट कर लिया था, अब हम चैप्टर नंबर सेकंड के बेसिक्स को समझते हैं, जो सिंपल सा बेसिक्स है उन्हें समझते हैं, ताकि आगे आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा दिमाग में आ जाए हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक्स को समझते हैं इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर चैप्टर का नाम फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शंस होता क्या है उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ फ्रैक्शन को समझाने के लिए। तो इसका सिंपल सा ही एग्जाम्पल, जैसे कि आप हर रोज़ दुकान पे जाते हो, मान लो आपके पास 10 रुपये है, ठीक है। ये 10 रुपये आप शॉप पे जाते हो, आप बोलते हो सर, दुकानदार को बोलते हो मुझे एक 5 रुपये का कुछ सामान दे दो, ठीक है। तो आपने उस 5 रुपये का सामान लिया, तो दुकानदार आपको कितना वापस देगा, और 5 रुपये देगा कि नहीं। तो देखो ये 5 और ये 5 इक्वल है, और हमें पता चला है इस 10 रुपये में 2 इक्वल 5 वाले, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो इसका मतलब ये हो गया हमने इस 10 वाले को 2 इक्वल 5 5 वालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी हमें डिवीजन कर दिया, ठीक है। तो हमने दुकानदार को दिया, उन 2 5 वालों में से हमने 1 5 वाला दुकानदार को दिया। हमने क्या किया, हमने 2 इक्वल हिस्से किए थे, उसमें से एक हिस्सा हमने दुकानदार को दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो बचा वो बचा फिर से एक हिस्सा, लेकिन कितने का, उन 2 हिस्सों में से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सिचुएशन रखा जहाँ पे मैंने क्या किया, इसको 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया, और उसमें से एक हिस्सा मेरे पास रखा, और दूसरी तरफ से देखे तो 2 हिस्सों में से एक हिस्सा मैंने दुकानदार को दे दिया। जब भी हम किसी नंबर को या किसी चीज़ को इस तरह लिखते हैं, डिवाइड करके लिखते हैं, और उसमें से कितना हमने रखना है वो चीज़ कंसीडर करते हैं, तो हम उसको फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, हम हिस्से कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, और उस डिवीजन में से कुछ हिस्सा अपने पास रख रहे हैं या कुछ हिस्सा हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ हिस्से को हम मान रहे हैं, और जितना हमने हिस्सा किया, हमने कितने हिस्से किए, 10 रुपये के 2 हिस्से किए, तो जितना हमने हिस्सा किया वो हम नीचे लिखते हैं, जितना डिवीजन किया वो नीचे, और उसमें से कितना कंसीडर किया, एक कंसीडर किया, तो हम क्या करते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में। तो दो चीज़ें आपको ध्यान में होना चाहिए यहाँ पे। पहली चीज़, फ्रैक्शन में क्या होता है, हम इक्वल हिस्से करते हैं, और इक्वल हिस्सों में हम क्या करते हैं, जितने हिस्से हमने किया उसको हम नीचे लिखते हैं, जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, और जितना हिस्सा हमने कंसीडर करना यानी लेना है वो हम कितना करते हैं, वो ऊपर लिखते हैं, हो गया। अब देखो आप पूछोगे सर हमने यहाँ पे 10 रुपये लिया था, यहाँ पे हमें 1 और 2 में आ गया, तो बेटा ये चीज़ ध्यान में रखोगे, मैंने कहा 10 रुपया नहीं ले रहा हूँ मैं, उसके 2 हिस्से कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 2 हिस्से, कितने हिस्से के वो हमने नीचे लिखा, तो हमें पता चलेगा जब हम 10 रुपये 2 हिस्से करेंगे तो 5 और 5 हो जाएगा, 2 इक्वल हिस्से हो गए। मैंने उसमें से कहा एक हिस्सा मैंने अपने पास रखा हुआ, मैंने पहले ही कहा ना मैंने दुकानदार को 5 रुपये दिए, यानी एक हिस्सा 5 रुपये के बराबर है, तो मैंने वही कहा एक हिस्सा 5 रुपये का, और एक हिस्सा मैंने अपने पास रखा, तो देखो 5 रुपये ये भी हो जाएगा, जो अपने पास बचेगा वो भी 5 हो जाएगा, जो दुकानदार को देगा वो भी 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब हम जब डिवीजन करते हैं किसी चीज़ को, फिर हम उसको क्या करते हैं, कितनी डिवीजन किया और उसमें से कितना रखा उसमें लिखते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। जैसे कि और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक स्क्वायर है, मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर। स्क्वायर आप जानते होंगे एक डब्बा होता है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, जिनके चारों साइड को हम स्क्वायर कहते हैं। मैंने क्या किया, इस स्क्वायर के मैंने पहले 2 हिस्से कर दिए, तो आपसे मैं पूछूंगा यहाँ पे डिनोमीटर में आप क्या लिखोगे, तो उस वक्त आप कहोगे सर मैंने 2 हिस्से किया, कितना हिस्सा किया वो हम नीचे लिखते हैं, है ना, 2। और मैंने बोला उसमें से एक हिस्सा मुझे दिखाओ, तो आप दिखाओगे ना ऊपर वाला या नीचे वाला, जो एक हिस्सा दिखाओगे मान लो ये, तो हमने कंसीडर कौन सा लिया, एक हिस्सा हमने कंसीडर लिया, तो जो हमने मानना है एक हिस्सा हमने माना, तो उसको हम एक ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है, देखो हमने जितना डिवीजन किया, जैसे कि 1 डिवीजन 2 डिवीजन, उस 2 डिवीजन को हम नीचे लिखते हैं, और उसमें से हमें कितना मानना है, जैसे कि हमने 1 मान लिया, ऊपर वाला हिस्सा मान लिया, उसे हम ऊपर लिखते हैं 1, हो गया। मान लो और एक डब्बा है हमारे पास, यही डब्बा मैं और एक बार बना देता हूँ, मैंने इसके 4 इक्वल हिस्से कर दिए, जैसे कि ऐसे, देखो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 मैंने इक्वल हिस्से कर लिए, तो आपसे मैं पूछूंगा कि हमें नीचे क्या लिखा है, डिनोमीटर में क्या लिखा है, तो आपको पता चलना चाहिए डिनोमीटर में हम वो लिखते हैं जितने हमने इक्वल हिस्से किए, तो हमने यहाँ 4 इक्वल हिस्से किए, तो फ्रैक्शन के डिनोमीटर में हमें क्या आएगा, 4 आएगा। और मैंने कहा उसमें से 2 हिस्से ले लो, या 1 हिस्सा ले लो, या 3 हिस्सा ले लो, तो आप क्या करोगे, ऊपर 3 करोगे, तो आप डायग्राम पर कैसे लिखोगे, ये हो गए 4 हिस्से किए, उसके साथ हमने क्या किया, 1 हिस्सा 2 हिस्सा और 3 हिस्सा हमने कंसीडर कर लिया, मान लिया, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कितने हिस्सों को नहीं माना है, यानी कितने हिस्सों को आपने नहीं लेना है, तो आप क्या लिखोगे, देखो मैंने इस 1 हिस्से को नहीं माना है, 1 हिस्से को मैंने नहीं माना, कितनों में से,
चार में से, टोटल चार है ना, मैंने टोटल चार हिस्से उसमें एक को नहीं मानना। तो ये चीज़ हो गया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बेसिक चीज़ें हो गई जिसको आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ होता है फ्रैक्शन की अलग अलग टाइप्स होते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है अलग अलग टाइप्स। दूसरी चीज़ फ्रैक्शन में याद रखना है नीचे वाले को डिनोमिनेटर, जैसे कि मैं यहाँ पे 1/4 लिखता हूँ तो नीचे वाले को हम क्या लिखते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं न्यूमिरेटर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं न्यूमिरेटर, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो इस फ्रैक्शन में हमने देखा ऊपर एक नीचे के, तो अलग अलग फ्रैक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं, उनको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, पहला क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, पहला क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जो भी फ्रैक्शन कोई भी अगर हमारे पास फ्रैक्शन होगा, जिस फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होगा जो हमारा न्यूमिनेटर वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, क्या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। जैसे कि न्यूमिनेटर में 1 लिखता हूँ डिनोमिनेटर में 5 लिखता हूँ, तो देखो मुझे क्या पता चला न्यूमिनेटर क्या है हमारे पास छोटा है, न्यूमिनेटर क्या है हमारे पास न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर। जब भी हमारा न्यूमिनेटर लेस होगा, न्यूमिनेटर क्या होगा लेस होगा डिनोमिनेटर से, ये हो गया ना लेस का साइन, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे कि 3/5, 2/4, 1/7, इन सारों में देखो ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाले से, है ना, इसको हम क्या कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो सिंपल सा इसका अपोजिट को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। यानी ऊपर अगर बड़ा होगा, जैसे कि ऊपर मैं कहूँगा 7/3, तो आप कहोगे सर डिनोमिनेटर जो है छोटा है न्यूमिनेटर से, यानी न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। जहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि 8/2, मान लो 6/2, मान लो 5/3, या फिर 9/4, तो देखो ऊपर वाले सारे बड़े हैं, जहाँ ऊपर बड़ा होता है उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया, फ्रैक्शन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम किस चीज़ को लेकर, मिक्स्ड फ्रैक्शन। लास्ट वाला हमारा जो टाइप है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, MIXED मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होता है, देखो बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जैसे कि कभी कभार हमारे पास ऐसे कुछ आ जाते हैं नंबर, जैसे कि 1/2/3, मान लो 1/2/3 है, तो आपको यहाँ पे पता चल गया एक 1 इसने यहाँ पे रखा है, ठीक है, ऊपर न्यूमिनेटर में कुछ लिखा है डिनोमिनेटर में कुछ लिखा है, तो यहाँ पे टोटल एक मिक्स सा कुछ नंबर आया ना, एक तो यहाँ पे फ्रैक्शन भी है उसके सामने 1 भी रखा हुआ है, तो इस टाइप के कोई नंबर होगा उसे हम क्या कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसे क्या कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। या फिर मान लो यहाँ पे 3/1/4, अगर 3/1/4 कहीं होगा तो आप इसको क्या कहोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहोगे, क्योंकि देखो यहाँ एक नंबर है न्यूमिरेटर है, न्यूमिरेटर है डिनोमिनेटर, उसके अलावा यहाँ पे भी एक नंबर है। इसी तरह से मान लो 7/2/5, तो देखो यहाँ पे भी 3 नंबर आ गए, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ऊपर एक नंबर नीचे एक नंबर साइड में एक नंबर लिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर 1 होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। अगला क्या होगा यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है सुनो, अगर किसी भी फ्रैक्शन का ऊपर 1 होगा, ऊपर क्या होगा 1, न्यूमिरेटर 1 के बराबर होगा, न्यूमिरेटर होगा, तो अगर न्यूमिरेटर हमारा क्या होगा न्यूमिरेटर यानी ऊपर वाला नंबर 1 के बराबर, कितने बराबर 1 के बराबर, तो डिनोमिनेटर को नहीं देखना है सिर्फ न्यूमिरेटर को देखा, तो हम उसको क्या उस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे न्यूमिरेटर, जहाँ पे क्या होगा 1 होगा उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे कि 1/7, 2/7, 3/7, 4 ओ सॉरी ये 1/7 नहीं, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, ऐसी चीज़ें जहाँ 1 हो, ऊपर 1 होना चाहिए न्यूमिरेटर में 1 होना चाहिए, उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। अब लास्ट वाला हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। अब हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, देखो हमारे पास कोई नंबर होगा मान लो कोई भी नंबर, वो नंबर जहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर, जहाँ पे हमारे पास क्या डिनोमिनेटर, तो जहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर अगर किसी भी नंबर का सेम नहीं होगा, डिनोमिनेटर अगर सेम
नहीं होगा क्या, डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को देख लो, अगर डिनोमिनेटर जैसे कि 1/5 है, अगले में मैंने देखा 2/3 है, अगले में मैंने देखा 4/8 है, तो मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर कुछ डिफरेंट आ रहा है ना, डिनोमिनेटर यहाँ डिनोमिनेटर 5, यहाँ डिनोमिनेटर 3, यहाँ डिनोमिनेटर 8। तो डिनोमिनेटर जब भी हमारे पास डिफरेंट होगा उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन, उसे क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। आपको यहाँ पे न्यूमरेटर नहीं देखना है, डिनोमिनेटर देखा, डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होगा अनलाइक फ्रैक्शन। इसी तरह डिनोमिनेटर अगर सेम होगा जैसे कि 1/7, 3/7, 8/7, 9/7, जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं, यहाँ पे सेम है, इसे हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। तो देखो बेटे ये सारी चीज़ें अब फ्रैक्शन का टाइप हो गया। आज हम यहीं तक रखेंगे, कल हम एक्सरसाइज से शुरू करेंगे।